बलोचिस्तान के जिला वाशो की तहसील बसीमा से हमारे गिदरोशिया पॉइंट के नुमाइंदा गुलफाम शबीर की रिपोर्ट के मुताबिक वादा की आवाम दुश्मन पॉलिसियों और जुल्म के खिलाफ करागी के तमाम स्कूल्स के बच्चे असातिज़ा और आवाम आज दूसरे रोज भी मजबूर होकर रोड पर निकल आए। खारान रोड पर जमा होकर आवाम ने बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग और कैस्को के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। आवाम के जानिब से एक पुरान रैली गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल करागी के गेट से शुरू होकर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल करागी और एक्सीलेंस पब्लिक स्कूल तक निकाला गया। दरमियान में एक्सीलेंस स्कूल के बच्चे भी अपने असातिज़ा के साथ रैली में शरीक हुए। तलबा और तालिबात की जानिब से करागी फीडर के बिजली को कम करने और प्राइवेट अहलकारों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। रैली खारान रोड से होते हुए एक्सीलेंस स्कूल के गेट पे एक जलसे की शक्ल इख्तियार कर ली। एहतजाजी रैली से खिताब में समाजी और कबायली रहनुमा मीर अब्दुल वाहिद ईसा जई, सियासी और समाजी रहनुमा हाफिज नासिर रहमान ईसा जई और दीगर का कहना था कि करागी को इलाकाई सियासी लीडरान और नुमाइंदों ने एक शहर नापुरसा बनाया हुआ है। करागी का कोई सियासी वारिस नहीं है, सबको अपने मफादात से मतलब है। हालांकि करागी तालीम के हवाले से पूरे ज़िले में टॉप पोजीशन पे है, इलाके के बाकी लोग हमसे तासुब करते हैं। अगर हमें कोई सियासी नुमाइंदा नहीं है तो सरकार कम से कम नोटिस लेकर करागी फीडर के बिजली के दौरानियों को बढ़ाया जाए, जो 24 घंटे में सिर्फ 3 घंटे हैं। इन 3 घंटों में भी बिजली कई बार ट्रिप करता है। अमला हमें सिर्फ 1 या 1.5 घंटे बिजली फराहम किया जाता है। हमारे सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी जलकर खाकिस्तर हो गए। स्कूल्स के बच्चे भी इस लोड शेडिंग से शदीद परेशान। वाडा के अहले इख्तियार को तनबीह करते हैं कि बिजली के दौरानिये को 1 हफ्ते के अंदर अंदर बढ़ाया जाए, वगरना हम अपने बच्चों के साथ सी पैक रोड पर धरना देंगे।